हेलो दोस्तों, टिकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। आज हम कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय बताते हैं। देखिए सभी लोग अपने अपने कॉपी खोलिए और ये देखिए कैसे ट्रिक के साथ हम आपको बता रहे हैं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ये गद्य और पद्य दोनों में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनके जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आप ये किस युग के लेखक थे। देखिए मैंने आपको हर कविता में बताया है, आपको सबसे पहले नोट देते हैं, आपको कोर्स पूरा हो जाए तो समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 में पैदा हुई है और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, देखिए सब लोग ध्यान से देखते चलिए, तो आपको हम इसको नोट बनवाते हुए आपको आगे निकल। देखिए सबसे पहले लिखिए जीवन परिचय। देखिए कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके देखिए इनके पिता गोपाल चंद श्री ब्रज भाषा में कविता करते थे। इनका घराना काशी के घर देखिए धनिक समाज में सदैव प्रतिष्ठित रहा। बाबू हरिश्चंद्र की विमाता ने इन्हें किंग्स कॉलेज में भर्ती कराया, किंतु पारिवारिक संपत्ति की देखभाल तक गैर जीवन की उलझनों में इन्हें शिक्षा की ओर से विरत कर दिया। भारतेंदु की प्रतिभा विलक्षण थी, स्कूल छूट जाने पर भी स्वाध्याय द्वारा इन्होंने अनेक विषयों का अध्ययन किया। लक्ष्मी और सती दोनों की इन पर विशेष कृपा रही। ये बहुत दिनों तक दानशील और उदार हृदय थे। इन्होंने अनेक पुस्तकालयों आदि की स्थापना की और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और इसमें पिता द्वारा छोड़ी धनराज समाप्त कर दी। लगभग 34 वर्ष की आयु में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया। देखिए यहाँ से आपको लिखना, कवियर से लेके देहांत तक आपको लिखना है जीवन परिचय। ओके माय डियर, देखिए आप लोग करना हुआ हो देख लीजिए जीवन परिचय आपको। देखिए हमने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना। अब देखिए साहित्यिक योगदान, अब क्या लिखना साहित्यिक योगदान। देखिए भारतेंदु ने गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में 100 से भी अधिक रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य के भंडार में वृद्धि की। एक पॉइंट देखिए यहाँ तक हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए इनकी कविताएं भक्ति श्रृंगार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए भक्ति सर्वस्त्र इनकी हिंदी भक्ति भाव की रचना है जिसमें ब्रज भाषा की मधुरता पर लक्षित, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए तन्मय लीला दानशीलता और प्रेम आदि आज भी भक्ति की रचना है, 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, 5वीं पॉइंट देखिए इनमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इनकी सिंगारिक रचनाओं में देखिए सरसई सिंगार, प्रेम फुलवारी, देखे प्रेम सरोवर इनकी चित्रपटता देखने योग्य है, 5 पॉइंट हो गया। ओके माय डियर, देखिए सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए अगला पॉइंट देखिए भारतेंदु की भारत वीरत्व विजय वैजयंती। देखिए देखिए इसी तरह बस इसी तरह लिखिए। देखिए एक और बढ़ा लीजिए तो अच्छा तरह हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए। देखिए भारतेंदु की भारत वीरत्व विजय वैजयंती देखिए सुमनाल जी, ठीक है, आदि सही सिंगार और प्रेम फुलवारी प्रेम सरोवर जिनकी चित्रमदा देखने योग्य है। ठीक है, नहीं, देखिए ये लाइन गड़बड़ हो जाएगी, देखिए फिर से बताते हैं आपको। देखिए जो लाइनें हैं आपको देखिए भारतीय की भारत वीरत्व विजय वैजयंती सुमनाल जी आदि कृतियां देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना से भरी हुई हैं। इसके बाद इन्होंने नाटक उपन्यास निबंध आलोचना भी लिखी, बस यहीं तक लिखेगा यहाँ से। देखिए यहाँ से जो जो लाइन बताए हैं देखिए ध्यान से देख लीजिए, वो लाइनें देखिए आपको छूटने न पाए। इसके बाद देखिए हमने आपको बता दिया। अब देखिए इनकी रचनाएं, देखिए क्या लिखना इनकी रचनाएं, नापले रचनाएं में नाटक देखिए सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रवती, नील देवी, अंधेर नगरी, ठीक है बस इतने। अंधे नगरी वाली जी सती प्रताप, प्रेम योगिनी बस छोड़ दीजिए, बस इस बात नहीं आपको लिखना है, बस इतना ही लिखिए। बस यहीं तक लिखिएगा,
प्रेमोली, फिर देखिए कथा साहित्य में लिखिए हमीर रस श्रीमती आदि, फिर निबंध आलोचना लिखिए स्वर्ग में विचार सभा सुलोचना परिहास, ठीक है, मदालसा लीलावती दिल्ली दर्पण सूर्य जयदेव आदि, बस इतना ही लिखिए आपका, देखिए वो आपको बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, थोड़ा छोड़ते जाइए थोड़ा थोड़ा ताकि आपको हो जाए। अब देखिए साहित्य में स्थान, पार्थिन ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया साहित्य क्षेत्र की समझ पुरानी और नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य का सर्वाग्रपूर्ण बनाया। देखिए पॉइंट नंबर एक कितना ही लिखना है आपको, ठीक है, देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से लिखना है हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना लिया, देखिए दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए भारतेंद्र हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे, तीन पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ से अपनी भाषा एक उन्नत ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है, देखिए इसको लिखिए निज भाषा उन्नति आए सब उन्नत का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हित सूल, देखिए यहाँ देख लीजिए। फिर एक लास्ट लाइन देखिए भारतीय जी ने एक युग निर्माता साहित्यकार थे, उनकी प्रतिभा बहुत मुखी थी, उन्होंने हिंदी साहित्य की जो आधारशिला तैयार की उस पर आज भी हिंदी का भव्य भवन निर्मित हुआ। देखिए अब इसको देखिए क्रॉस कर लीजिए, बस खत्म हो गया। देखिए देख के बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई बात ही नहीं है। देखिए आपको सब कुछ दिखाने का मैंने प्रयास किया है। ओके माय डियर, अब चलते हैं अगले वीडियो में, आपको अगला देखिए जीवन परिचय आपको बता रहे हैं, अगर आपको आ गया हो तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर जैसा मेरा वीडियो लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।